हाँ दोस्तों, कैसे हैं? 16 मार्च है, 16 मार्च 2019, और यस बैंक का अपडेट लेके आया था। बैंकिंग सेक्टर तो सभी मूव करते हुए दिख रही है आपको, और यस बैंक में भी एक अच्छी खासी मूव अपने को देखने को मिली, और वो कहीं 252 255 तक के ऊपर के हाई, 252 से तक के हाई को लगाया, और फिर थोड़ा सा उसमें वीकनेस देखने को मिली और वापस वो नीचे की ओर आया। कहीं ना कहीं यस बैंक में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक्वायर मत कीजिए, इसको 100% अपने पोर्टफोलियो में रखना आप चालू कर दीजिए, लेकिन कहीं चार्ट पे कुछ वीकनेस का सिग्नल है तो आप कॉशियस पोजीशन भी बनाएं। इस पे जो कॉशियस पोजीशन है वो आपको देखने को मिल सकता है 245 244 पे, 244। अब जब यहाँ पे मैं चार्ट पे आपको दिखाऊँ एक बार, तो जब आवरली चार्ट पे हम देखते हैं इसको, तो 241 235 और 225, ये 3 लेवल को आप ध्यान में रखिएगा। 241 235 और 225, ये जो आवरली बेसिस पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है, तीनों ब्रेक करता है, तो आपको एक बार ये नीचे की ओर दिखाएगा, और आवरली बेसिस पे आप देखेंगे एमएसडी लाइन तो नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। आवरली बेसिस पे एमएसडी नीचे की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यस बैंक में थोड़ी सी कमजोरी है। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 200 का मेंटेन करें शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हर डिप पे इसको बाई करें, हर 25 रुपये के डिप पे इसको एक्यूमुलेट करें। आज 245 है, 225 जाता है वहाँ बाई कीजिए, 200 जाता है वहाँ बाई कीजिए, और लास्ट जो जाया जा सकता है जिसकी पूरी संभावना है वो क्या चीज़ है, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे गैप है, आप देखेंगे यहाँ पे 175 और 185 के बीच में एक गैप है, तो वहां भरने के लिए, ये गैप भरने के लिए वो वहां पे जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे डेली बेसिस पे दिखेंगे, यहाँ पे 175 और 185 ये दोनों के बीच में एक गैप है, 186 के बीच में गैप है, तो वो ये गैप भरने के लिए आज नहीं तो कल आएगा। तो आप इसलिए बताए कि एक बार ये 185 186 टच कर सकता है। इस तरह जहाँ पे भी पोजिशनली चाहे आप डेरिवेटिव पे देखें, तो ऑलरेडी ये 67 70 तक चला गया था, ऊपर हाई आर एस ए चला गया था, एक बार हाई 72 को 73 पे चला गया था, और उसको क्रॉस करते हुए आर एस ए भी नीचे की ओर पोजीशन बना रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत नीचे जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये चार्ट फॉलो करने पड़ेंगे, जहाँ पे निगेटिव ही दिख रहा है। लेकिन 241 का और 235 का आप स्टॉप लॉस एक बार मेंटेन करें, नहीं तो वो नीचे की ओर 200 तक भी जाके जा सकता है, बट ये एक साथ नीचे नहीं आएगा, एक बार धीरे धीरे करके ये पोजीशन बनाएंगे। तो आवरली बेसिस पे देखें, और अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे देखने की कोशिश करूं, तो आप एक सिग्नल दिखेगा कि जो 50 दिन का एवरेज है, जो कि येलो लाइन है, ऑलरेडी उसको, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा चुका है। तो ऑलरेडी यहाँ क्रॉस ओवर आपको देखने को मिलेगा, 20 दिन का जो मूविंग एवरेज है, ऑलरेडी 100 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, और वो 200 के लेवल को भी, दो जो कि 235 पे है, वो क्रॉस करने के लिए वीकली बेसिस पे है। तो अगर ये 235 क्रॉस करता है वीकली बेसिस पे, तो आपको नीचे की ओर 200 और 185 देखने को मिल सकता है। तो एक छोटा सा ये खाली प्रिकॉशन था। अगर डिलीवरी देखें इसमें, तो 3,87,15,000 का इसमें वॉल्यूम हो रहा है, 5 करोड़ 6 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, और ट्रेडिंग पोजिशन पे, क्योंकि कोई डिलीवरी नहीं आ रही है, ट्रेडिंग पोजिशन पे इसमें पोजिशन बनाया जा रहा है। अगर मैं ये इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज की बात करूं, तो यहाँ पे भी एक निगेटिव सिग्नल बन रहा है, जहाँ पे इसको 247 वेटेड एवरेज वॉल्यूम बोल रहा है, उसके सामने सिर्फ 245 मिल रहा है इसको, 2 रुपया डाउन की वैल्यू मिल रही है। तो यस बैंक में कहीं ना कहीं कमजोरी का सिग्नल है, और इसी चीज़ को वापस ये डेरिवेटिव भी प्रूव करता है। डेरिवेटिव में भी अगर जाकर के मैं इसको भी 28 मार्च की क्लोजिंग का देख रहा था, तो आप देखेंगे 245 जहाँ पे है, यहाँ पे देखिए शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है 3,27,000 से 8,78,000 से, केवल 260 पे जो है थोड़ा सा ये अनवाइंड हो रहा है। अदरवाइज देखेंगे 270 280 290 300 हर लेवल पे शॉर्ट का पोजीशन बन रहा है, और वहीं पुट की ओर देखेंगे तो आप 230 पे अनवाइंड हो रहा है, 240 250 पे 1,75,000 1,40,000 से शॉर्ट किया जा रहा है। जो पोजीशन है वहां पे 240 पे 1,75,000 से 25 लाख का टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है, लेकिन ये 200 पे देखेंगे तो इसको बहुत बड़ा सपोर्ट है, 33,88,000 का इसको क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो 200 बहुत जल्दी नहीं तोड़ेगा,
और इसको हर लेवल पे तोड़ने के लिए 230 220 अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्रिएटेड है। 26 लाख का है 220 पे, 24 लाख का है 230 पे, और 25,86,000 का 240 पे, इनफैक्ट 250 पे 19,32,000। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छे खासे सपोर्ट के साथ पुट की और यह पोजीशन बन रहा है, 230 पे अनवाइंड भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिख रहा है कि कॉल की और शॉर्टिंग चल रही है, जहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे तो अब 250 पे 64 लाख, 260 पे 51 लाख और 70 लाख से देखे 270, तो 270 क्रॉस करना बहुत टफ काम है। 270 तो अभी तो क्रॉस नहीं करेगा, गारंटेड नहीं करेगा ये 270 किसी आला। और नहीं करने का एक कारण है उसका कि वहाँ पे एक इसका गैप अप ओपनिंग गैप अप भी चार्ट पे है 270 के आसपास देखेंगे, तो जब आप वहाँ पे क्रॉस नहीं करने का एक रीजन भी है वो कि 270 से जब फॉल किया था, आप देखेंगे यहाँ पे ये 270 से जब फॉल किया था 2889 से, और यहाँ पे आप देखेंगे 318 से जो एक गैप है, तो ये गैप है इसी यहाँ पे, तो ये गैप क्रॉस करना भी थोड़ा 275 क्रॉस करना भी थोड़ा सा टफ है, इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे इसने 287 एग्जैक्ट बोले तो 287 के पास यहाँ पे गैप अप है, तो यहाँ पे एक गैप अप है उसको भरना उसको थोड़ा टफ काम है। तो कहीं ना कहीं आपको जो देखने को मिल रहा है वो एक इसमें वीकनेस मिल रहा है, यस बैंक में वीकनेस देखने को मिल सकता है आपको। अभी जो 15 तारीख की क्लोजिंग में 245 रुपये पे हुआ है, आप देखेंगे लो 243 का है, हाई 252 का है और लोअर साइड में जाके क्लोजिंग देता है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी जो दिखाया आपको वो भी वीकनेस का सिग्नल दे रहा है। जो आपको डेरिवेटिव में बताया जा रहा है यहाँ से भी आप देखेंगे 200 पे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है और उसके बाद हर लेवल पे इसको शॉर्ट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 230 पर अनवाइंड हो रहा है। तो हो सकता है कि 230 पहला सपोर्ट इसको मिल जाए यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखेंगे तो 24-25 लाख का है, तो 230 240 220 210 नीचे की ओर देखें तो 200 से 250 के रेंज में ये हो सकता रहे, और नीचे की ओर जाता हुआ आपको 200 की ओर देखने को यस बैंक में मिल सकता है। यस बैंक में केवल एक छोटी सी ये ओपिनियन थी, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए एक बार लगता है यहाँ पे जो गैप अप है, ये वन डे चार्ट पे है जो गैप अप है यहाँ पे और यहाँ पे, ये यहाँ पे सीधा 174 आ गया था और यहाँ देखे तो 186 था, तो 186 बाद सीधा आ गया था ये 174। तो ये जो गैप अप है ये भरने के लिए एक बार जरूर आएगा वो, तो लगता है यहाँ पे वन भले एक दिन के लिए है, तो यस बैंक में थोड़ी सी कमजोरी वीकनेस दिख रही है, बाइंग साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, शॉर्ट साइड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो वहीं पे अगर हम देखें अगर 200 का पुट जो अभी मिल रहा है सिर्फ 85 पैसे पे मिल रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट देखें तो 33,88,000 है, तो ये 200 का जो पुट है एक अच्छा सा काम कर सकता है इस एक्सपायरी को लेकर के। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ मेरा ओपिनियन है। पेपर ट्रेडिंग करें, वॉच लिस्ट में रखें, सीखें, और फिर जब जानकारी हो जाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर पोजीशन बनाएं मार्केट में। ये सारे जो थे मेरे ओपिनियन थे सिर्फ। यस बैंक में थोड़ा अभी वीकनेस देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म व्यू से अगर 180 पे जाता है तो बेस्ट बाइंग है, ये बेस्ट बाइंग है, इसमें कुछ होने को नहीं है। ये 330 और ऊपर 350 या 40 तक 280 क्रॉस करता है तो 330 के लेवल को भी दिखाएगा। पहला 270 पे हर्डल है इसको, उसको क्रॉस करने दीजिए। पहला सपोर्ट इसका जो था 240 का था, तो जब तक ये 240 के सपोर्ट पे खड़ा है तब तक आप 270 तक देख सकते हैं। अगर 240 का सपोर्ट टूटता है तो वो 200 के रेंज में चला जाएगा, 200 से 240, और 200 टूटता है तो 178-78 जो है उस रेंज में जाएगा। अभी ये 200 के रेंज में हो सकता है आपको जाते हुए देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।